चंपापुर में रहने वाला सरपंच अपनी बेटी की शादी की तैयारी में जुटा हुआ था। तभी अचानक हवा में उड़ती हुई एक सुंदर सी डोली वहां आ जाती है। उस डोली के अंदर से एक डरावनी चुड़ैल अपनी छोटी बच्ची के साथ बाहर निकल आती है। फिर वहां रखा सारा खाना हवा में उड़कर चुड़ैल और उसकी बच्ची के मुंह में जाने लगता है। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे कोई रोको इसे, वरना ये सारा खाना खा जाएगी। तभी गांव वाले डंडे लेकर चुड़ैल और उसकी बेटी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। आप चिंता मत करिए सरपंच जी, हम लोग इस चुड़ैल को देख लेंगे। चलो भाइयों, चुड़ैल को चारों तरफ से घेर कर इसकी मरम्मत करो, ये यहाँ से बचकर नहीं जानी चाहिए। लेकिन चुड़ैल अपनी शक्ति से उन सभी लोगों को रस्सियों से बांध देती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी सारा खाना खाकर खत्म कर देती है। अभी मेरी भूख शांत नहीं हुई, मुझे और भूख लगी है। जल्दी से मुझे खाना दो, वरना मैं दूल्हा और दुल्हन को मारकर खा जाऊंगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, ऐसा मत करिए, हमारे गोदाम में बहुत सारा अनाज रखा है, तुम जाकर सारा अनाज खा सकती हो। बस मेरी बेटी और दामाद को कुछ मत करना। उसके बाद चुड़ैल अपनी बेटी को लेकर सरपंच के गोदाम में चली जाती है और देखते ही देखते वहाँ रखा सारा अनाज खा लेती है। फिर चुड़ैल अपनी बेटी के साथ वापस डोली के अंदर बैठ जाती है और वो डोली हवा में उड़ती हुई आसमान में गायब हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद नैना नाम की लड़की अपनी सहेलियों के साथ जंगल में पिकनिक मनाने जाती है। नैना अपनी सहेली रोशनी के साथ जंगल की सैर करने लगती है। तभी उन दोनों को झरने के किनारे चुड़ैल की वो सुंदर सी डोली दिखाई देती है। डोली के ऊपर तरह तरह की सोने की नक्काशी बनी हुई थी, साथ ही उस पर खूबसूरत हीरे भी जड़े थे। नैना एक लालची लड़की थी, वो फौरन डोली के पास पहुंच जाती है। क्या बात है, इतनी सुंदर डोली तो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी। इस पर तो ढेर सारे सोना और हीरे जड़े हैं। चल रोशनी, जल्दी से ये सारा सोना और हीरे निकाल कर अपने बैग में भर लेते हैं। हाँ तूने सही कहा, उसके बाद हम दोनों अपने लिए ढेर सारे खूबसूरत गहने बनवा लेंगे। लेकिन तभी डोली के अंदर सो रही चुड़ैल की बेटी जाग जाती है। डोली से बाहर निकलकर नैना और उसकी सहेली को चेतावनी देने लगती है। दोनों इसी वक्त यहाँ से चली जाओ, अगर मेरी माँ आ गई तो तुम दोनों का बहुत बुरा हाल करेगी। अरे ये तो एक चुड़ैल की बेटी है, लगता है ये डोली किसी खतरनाक चुड़ैल की है। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना अगर सच में इसकी चुड़ैल माँ आ गई तो हम दोनों नहीं बचेंगे। तू घबराती क्यों है, इस वक्त वो चुड़ैल यहाँ नहीं है, और वैसे भी ये चुड़ैल की बेटी बहुत छोटी है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चल जल्दी से हीरे और सोने निकाल कर बैग में डालना शुरू कर दे। ये देख चुड़ैल की बेटी को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा तो तुम दोनों सीधी तरह नहीं मानोगी, अभी तुम दोनों को मजा चखाते हैं। उसके बाद चुड़ैल की बेटी अपने नुकीले दांतों से नैना और रोशनी के पैरों को काटने लगती है। फिर वो दोनों सहेलियां धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती हैं। तभी चुड़ैल की बेटी झपट कर उन दोनों के चेहरे पर अपने नाखून मारने लगती है। चलो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम दोनों की जान ले लूंगी। अरे ये तो बहुत गुस्से में है, लगता है ये हम दोनों की जान लेकर ही रहेगी। हाँ तूने सही कहा, इस दूध पीती चुड़ैल की बच्ची ने हमें बहुत परेशान किया है। ठहर जा, मैं अभी इसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। इतने कहकर नैना अपने बैग से बड़ा सा चाकू निकाल कर चुड़ैल की बेटी पर वार करने लगती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। उसके बाद वे दोनों सहेलियाँ चुड़ैल की बेटी को रस्सियों से बांध देती है। फिर वो दोनों सहेलियाँ डोली पर लगे हीरे और सोने निकाल कर अपने बैग में डाल लेती है। लेकिन तभी उनके बैग में आग लग जाती है और सारा सोना और हीरे गायब हो जाते हैं। ये देख नैना और रोशनी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अरे ये कैसा जादू था, सारा सोना और हीरे गायब हो गए। लगता है सारा सोना और वो हीरे भूतिया थे जो अचानक गायब हो गए। हे भगवान, इतनी मेहनत करने के बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा, अब हमें खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। बेकार में हम दोनों ने इतनी तकलीफ उठाई। हाँ तूने सही कहा, लेकिन मैं इसका बदला चुड़ैल की इस बेटी से लूंगी। अब इस छोटी चुड़ैल को मैं अपने तांत्रिक चाचा के हवाले कर दूंगी, उसके बाद मेरे चाचा इसे हमेशा के लिए गुलाम बना लेंगे। उसके बाद नैना चुड़ैल की बेटी को लेकर अपने तांत्रिक चाचा के घर पहुँच जाती है। ये देखिए चाचा जी, ये चुड़ैल की बेटी मुझे जंगल में मिली थी, ये बहुत ही खूंखार है, अब मैं इसे आपके हवाले करने आई हूँ, आप इसे अपनी गुलाम बना लीजिए। अरे वाह भतीजी, छोटी चुड़ैल को मेरे पास लाकर तूने मुझे खुश कर दिया। उसके बाद तांत्रिक चुड़ैल की बेटी को रस्सियों से बांधकर घर की छत से लटका देता है। दूसरी तरफ चुड़ैल जब अपनी डोली के पास आती है तो डोली पर लगे हीरे
और अपनी बेटी को गायब देख बहुत परेशान हो जाती है। अचानक मेरी बेटी कहाँ चली गई? जरूर यहाँ कोई लालची बेरहम तांत्रिक आया था जो सोने और हीरे के साथ साथ मेरी बेटी को भी चुरा कर ले गया। पता नहीं मेरी बेटी के साथ में होगी, मुझे फौरन अपनी बेटी को ढूंढना होगा। उसके बाद चुड़ैल अपनी बेटी को ढूंढने के लिए चारों तरफ भटकने लगती है। काफी देर भटकने के बाद चुड़ैल नैना के घर के पास पहुंच जाती है। तभी वो अपनी बेटी के रोने की आवाज़ सुन लेती है। चुड़ैल दौड़ कर खिड़की के पास पहुंच जाती है। अपनी बेटी को दर्द से तड़पते देख चुड़ैल से रहा नहीं जाता। मेरी बेटी की हालत करने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगी, ठहर जा बेटी, मैं अभी आ रही हूँ। इतने कहकर चुड़ैल खिड़की तोड़ कर अंदर जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी बिरजू नाम का तांत्रिक वहाँ जाता है। वो तांत्रिक चुड़ैल को खामोश रहने का इशारा करके पास में बने अपने घर में ले जाता है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही समय पर आ गया, वरना उस घर में रहने वाला तांत्रिक तुम्हारी बेटी के साथ साथ तुम्हें भी कैद कर लेता। तुम कहाँ से आई हो? तुम और तुम्हारी बेटी आखिर चुड़ैल कैसे बन गए? बिरजू तांत्रिक की बात सुनकर चुड़ैल दुखी होकर रोती हुई उसे अपनी आपबीती बताने लगती है। कुछ सालों पहले तक मैं अपने पति और बच्चे के साथ बहुत खुश थी। हम दोनों पति पत्नी सुंदर सुंदर डोलियां बनाकर बेचा करते थे। एक दिन राजा के कहने पर हमने एक बहुत खूबसूरत डोली बनाई और उस डोली पर बहुत सारे हीरे और सोने जड़ दिए। मैं और मेरे पति उस डोली को लेकर महल की ओर जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में कुछ लुटेरों ने हम पर हमला कर दिया। उन बेरहम लुटेरों ने मेरे पति को मारकर नदी में फेंक दिया। फिर जालिमों ने मुझे और मेरी नन्ही बच्ची को डोली के अंदर कैद करके जिंदा जला दिया। कुछ दिन बाद मैं और मेरी बच्ची चुड़ैल बन गई। फिर चुड़ैल बनने के बाद मेरी मानसिकता भूतिया हो गई और मैं इंसानों से नफरत करने लग गई। सच में बहन, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं आज रात ही तुम्हारी बेटी को उस दुष्ट तांत्रिक के कैद से आजाद करवाऊंगा। फिर रात होते ही बिरजू तांत्रिक नैना के घर में दाखिल हो जाता है। नैना आराम से बिस्तर पर सो रही थी, दूसरी तरफ उसका चाचा जमीन पर बिछी चटाई पर सो रहा था। बिरजू तांत्रिक दबे पांव चुड़ैल की बच्ची के पास पहुंचता है और उसकी रस्सियां खोलकर उसे आजाद कर देता है। उसके बाद बिरजू तांत्रिक चुड़ैल की बच्ची को गोद में उठाकर घर में चारों तरफ भूतिया राख छिड़क देता है। जैसे ही बिरजू तांत्रिक चुड़ैल की बच्ची को लेकर घर से बाहर निकलता है, तभी नैना के घर में आग लग जाती है। उस आग में नैना और उसका तांत्रिक चाचा जलकर मर जाते हैं। ये लो चुड़ैल बहन, मैं तुम्हारी बच्ची को बचा कर ले आया, अब तुम्हारा यहाँ इंसानों के बीच रहना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को शैतानपुर भेजने का इंतजाम कर देता हूँ। तुम दोनों वहाँ सुकून से रहना, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद तांत्रिक चुड़ैल के लिए एक डोली तैयार कर देता है। फिर चुड़ैल अपने बच्चे के साथ डोली के अंदर बैठ जाती है। उसके बाद तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और वो डोली हवा में उड़ती हुई शैतानपुर चली जाती है। नमस्ते दर्शकों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ रोमांचक वर्ल्ड में। तो दोबारा मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, अब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।